केजरीवाल के छोटे भाई अशोक तंवर का कांग्रेस पर तंज, मचा बवाल। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय में दो नाबालिग बहनों की मौत के मामले में लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आज करनाल पहुंचे हैं क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आज बेटियों को न्याय दिलाने के लिए समाज के लोग यहां एकत्रित हुए हैं, बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के चिंतन मंथन शिविर को लेकर क्या कहेंगे, तब जवाब में उन्होंने कहा कि हमने अपना बचपन, जवानी, सब कुछ तो कांग्रेस को दे दिया, लेकिन उन चीजों की कोई वैल्यू तो नहीं वहाँ। वहाँ तो इस बात का चिंतन होगा कि कांग्रेस को खत्म कैसे करें, खत्म करने में लगे हैं, जीते इसका काम क्या है। मोदी के आगे हाथ जोड़े जेल में जाने से बचें और कांग्रेस को खत्म करें, उसी का चिंतन मंथन होगा। बहुत से लोग नहीं पहुंचे हैं, उनके प्रदेश की जनता से लोगों के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है, सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, कांग्रेस नीचे की तरफ जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रभारी कह रहा है कि किसी ने राज्यसभा में गड़बड़ी करी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरे समय में तीन प्रभारी आए, तीनों महानिकम में थे, वो तो कभी आते नहीं थे, सभी एक से बढ़कर एक हैं। उनके समय में कोई भी टिकटें बेच देते थे और जो अब आए हैं ये उन्हें बुलाते नहीं। कई लोग तो मजबूरी में पार्टी छोड़ते हैं, जैसा हमारे साथ हुआ है। अब 6 साल हमारे जैसे लोगों से मेहनत करवा कर, खून पसीना लगवा करके, उसके बाद भाजपा के सामने, भ्रष्टाचारियों के सामने सरेंडर कर जाओ। भाई, हमें तो उनके सामने सरेंडर नहीं करना है, हम तो किसान, मजदूर व फौजी के बेटे हैं। हमेशा जीवन में यही मानते हैं कि इस देश की लड़ाई लड़ो, लोगों की लड़ाई लड़ो, जो मुर्दा हो चुका है उसे कैप्चर करने से क्या होगा, उसमें जान आ जाती है क्या। मुर्दे को पकड़े घूमते रहो, उठाए रहो। कांग्रेस और उनके नेता भी मुर्दा हो गए हैं, इनकी आत्मा मर गई है, इनका जमीर मर गया है, काम करने की इनमें क्षमता नहीं है, तो इसलिए यही प्रश्न होगा।